नमस्कार। आज हम हरी बेसन की हरी मिर्ची बनाएंगे। उसके लिए हमने एक कटोरी से थोड़ा कम बेसन लिया है। 200 ग्राम हमने हरी मिर्ची ली है, इसे धोकर पोंच ली है और इस तरह से बीच में से हम काट लेंगे भरने के लिए। अब हमने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और उसे गर्म किया है। इसमें हम राई डालेंगे, और इसमें अब हम हींग डालेंगे 2-3 पिंच और बेसन डाल देंगे इसमें। और इसे भूंज लेंगे। अभी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। लाल मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे हम, क्योंकि हरी मिर्ची स्पाइसी नहीं है। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। धनिया डालेंगे। टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब मसाले को मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। और इसमें अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसमें अब हम इस तरह से भर देंगे। और इसमें हम सौंफ, पिसी हुई सौंफ मिलाना भूल गए थे, तो हमने अब सौंफ मिला दी है। इसमें 2 चम्मच पिसी हुई, और इन्हें भर लिया है अच्छे से हमने। अब तेल डालकर अब हम इसे मिर्चियों को डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा मिर्चियों को नहीं पकाना है। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं पकी हैं। अब इसके ऊपर से हम जो बचा हुआ बेसन था उसे मिला देंगे। अगर आप ना डालें तो इसे आप स्टोर भी करके एयरटाइट डब्बे में डालकर और फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता एक दो महीने तक। अब ये मिर्ची तैयार हो गई है। हमने गैस बंद कर दी है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।